सो है एवरीवन, दिस इज समीर हियर, वेलकम बैक टू अदर इंटरेस्टिंग वीडियो। सो गाइज, मैं बोलूं कि यार हमें पता है कि अब तक सॉफ्टवेयर या वेबसाइट या एप्लीकेशन हमें पता है कौन बनाता है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंसान बनाता है। बट मैं बोलूंगा आज के इस वीडियो में अपन बनवा रहे होंगे एक रोबोट से, चैट जीपीटी। जैसा कि आपने पता होगा मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना रखा है चैट जीपीटी के ऊपर, अगर नहीं देखा तो चेक इट आउट। और आज के इस वीडियो में अपन चैट जीपीटी की मदद से एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहे होंगे, जो कि हो सकता है आपका बेसिक लेवल का एप्लीकेशन, जो कि है करेंसी कन्वर्टर एप्लीकेशन। तो देखते हैं यार किस तरीके से कर सकते हैं। एक्साइटेड हो? मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो फिर उससे पहले पता है क्या करना है भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो गाइज, आई नीड योर सपोर्ट। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि आज के इस वीडियो में अपन करेंसी कन्वर्टर एप्लीकेशन बना रहे होंगे, हम खुद नहीं बनाएंगे, चैट जीपीटी बनाएगा मात्र 5 मिनट के अंदर ही। तो लेट्स सी, तो किस तरीके से कर सकते हैं। देखो यार, चैट जीपीटी का पूरा सेटअप वगैरह तो मैं बता चुका हूँ, तो वो यार प्रीवियस वाली वीडियो देख लो, तो वहाँ से आपको चैट जीपीटी के बारे में उसका हिस्ट्री विस्ट्री फ्यूचर सब पता चल जाएगा आपको, तो वो देख लेना। एंड अभी अपन चैट जीपीटी को डायरेक्ट ओपन करते हैं। तो जैसे ही मैंने ओपन किया तो यहाँ पर ये दिख रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ आते हैं, अब मैं लिखता हूँ क्या, कुछ ये लिख के अपन सर्च करते हैं कि मैं एक करेंसी कन्वर्टर एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ एंड्रॉयड में, किसकी मदद से, कॉटलिन की मदद से। तो ये मुझे पूरे स्टेप्स बताएगा ये, तो अभी इसके स्टेप्स देखते हैं, फिर इससे कोड मांगेंगे भैया, कोड दे, ए टू जेड कोड मांगे, और ये दे भी देगा, देखना अभी पूरे एकदम। मैं एक लाइन का कोड नहीं लिखूंगा गाइस, एक लाइन का कोड नहीं लिखूंगा, पूरी एप्लीकेशन एक बॉट बनाएगा, उसे अपन यूज़ करेंगे सिर्फ सिर्फ। तो देखो यार कैसे करते हैं, देखो इसने अपना मतलब इसने अभी क्या क्या सिर्फ और सिर्फ स्टेप्स बताए और कुछ नहीं किया इसने, देख रहे हो कि यहाँ पर लिखा है कि टू बिल्ड करेंसी कन्वर्टर ऐप इन एंड्रॉयड विद कॉटलिन यू कैन फॉलो जनरल दिस जनरल स्टेप्स। तो यहाँ पर यार चल चलते एरर एक आ गया, ये चैट जीपीटी में आम एरर है, तो अपन इसको रिफ्रेश करेंगे। अभी तक हमें कोड नहीं मिला, मैंने इसको बोला कि कोड दे, मैंने बोला कि बिल्ड कर, नहीं बोला। अब मैं सिंपली ये बोलता हूँ, तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही मैंने लिखा गिव मी करेंसी कन्वर्टर कोड यहाँ पर, तो इसने क्या कर रखा है कि हियर इज सम एग्जांपल, इसने दिया ये मेरे को दिया इसने बैकएंड का कोड मेन एक्टिविटी डॉट के टी। जैसे कि आप अगर आप एंड्रॉयड से आते हो तो आपको पता होगा कि हाँ ये बैकएंड का कोड है। एंड देन फिर उसके बाद इसने एक रिसोर्स फाइल में मुझे दिए ये कुछ वैल्यूज़ जो कि मुझे पुट करनी है और बता भी रहा है। एंड देन उसने फिर मुझे स्पिनर दिया है, और आई डोंट नो कि यहाँ पर उसने पाइथन क्यों लिखा है, बट ठीक है चल जाएगा। फिर मैंने बोला गिव मी ऑल्सो कोड ऑफ एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल, जैसे कि मुझे पता है कि फ्रंट एंड आपको भी पता हो यार अगर एंड्रॉयड डेवलपर हो, तो नहीं पता तो डोंट वरी यार, एंड्रॉयड मतलब एंड्रॉयड एप्लीकेशन में दो फाइल होती हैं, एक यूआई की होती है और एक बैकएंड वाली होती है, तो मैंने दोनों फाइल इससे मांगी है, तो इसने पूरा कोड दे दिया है। चलो बहुत बढ़िया, इस कोड को डायरेक्ट मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, एंड देन मैं आता हूँ अपने एंड्रॉयड प्रोजेक्ट में और एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल में, फिर यहाँ इसके कोड को पेस्ट करते हैं, देखते हैं चलता है कि नहीं चलता इसका कोड। तो यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, तो अब तक तो यार एरर वेरर आए ना, आई गेस ये लोड कर रहा है। हाँ एरर तो नहीं आया यार, यहाँ पर देख सकते हो कि लेआउट तो ठीक दिया इसने, कोई भी एक एरर नहीं आया, बट हाँ अब एरर आया, 6 एरर्स हैं। सो देखते हैं इसको भी, कोई नहीं अपन बैक करके अपन क्या करते हैं, ये हो गया। एंड देन जो हमने क्या करना था, ये जो इसने स्ट्रिंग वाली वैल्यू दी है ना, तो मैं इसको भी कॉपी करूँगा और मैं इसको पेस्ट करूँगा कहाँ पे, आपको पता ही है, रेस में जाएंगे एंड देन वैल्यूज़ में एंड देन स्ट्रिंग में। अगर आप एक न्यू हो तो आपको डोंट वरी यार, देखो ये पूरा बता रहा है, देखो रेस में वैल्यू में स्ट्रिंग में, हमें तो पता है क्योंकि हमें तो एक्सपीरियंस हो गया यार, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे कुछ इस तरीके से, मैंने ये पेस्ट कर दिया, अब बस एक फाइल का जो कोड है वो अपन को बस पेस्ट करना है, जो कि मैं उठाऊंगा यहाँ से ही, जो किसने सबसे पहले दिया था इसको ही मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर आऊँगा मेन एक्टिविटी डॉट के टी में और अपने इम्पोर्ट से लेकर यहाँ तक इसको पेस्ट कर दूँगा। अब देखता हूँ यार एरर आता है या नहीं, तो जहाँ तक मैं देख सकता हूँ अभी तो मुझे एरर नहीं दिखा, और यहाँ पर हाँ वार्निंग्स आई हैं, ठीक है नहीं नो वरीज, मगर यार कोई भी एरर नहीं आया, बस एरर आया था यहाँ पे, तो वो छोटे मोटे एरर जब आप रन करोगे तो वो भी एरर चले जाएंगे। तो चैट जीपीटी ने जो भी कोड दिया अपन ने इधर पेस्ट कर दिया है, क्या ये चलेगा, मैं इसको रन करूँगा तो ये चलेगा, ये लेट्स ट्राई। तो गाइज आप देख सकते हो यार कोई भी एरर नहीं आया इसके कोड में, और मेरे एमुलेटर में ये रन भी हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है मींस। तो लॉन्चिंग ऐप ऑन पिक्सल 4 IPA 30, देखते हैं लॉन्च तो हो रहा है और क्या ये सही से काम करेगा, लेट्स सी। तो देखो यहाँ पर ये इनपुट करेंसी है एंड देन ड्रॉप डाउन है, तो यहाँ पर दो ड्रॉप डाउन है, एक USD
टू यूएसडी, मतलब किससे कौन सा करेंसी आपको कितने में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पर एक आउटपुट करेंसी करके किसने टैक्स लिखा है। तो लेट्स ट्राई, मैं बोलता हूँ कि भैया $50 USD टू कन्वर्ट कर किस में, INR में। तो यहाँ पर INR का भी ऑप्शन दिया है, इसने यूरो दिया है, तो मैंने INR पे क्लिक किया। और मैं जब कन्वर्ट पे क्लिक करता हूँ तो गाइज ये कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो अमाउंट 3631.5। तो यार ये इसने इसका कोड काम कर रहा है। और भी कुछ ट्राई करके देखते हैं, यहाँ से मैं क्या करता हूँ यूरो जो है उसको कन्वर्ट करके देखते हैं। तो यूरो भी कन्वर्ट हो रहा है यार बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो ये लॉजिक कैसे चल रहा है ये पूरा कोड आप यहाँ देख सकते हो बढ़िया तरीके से। तो इसने कुछ लाइक मतलब यार एक चीज़ मैं बोलूँगा गाइस यहाँ पे कि इसने ना सिंटेक्स को बहुत सही रखा है, ज़्यादा लाइक फालतू यूज़ नहीं किया, फंक्शन टू फंक्शन यूज़ किया हुआ है। तो गाइस आप देख सकते हो ChatGPT ने यार ऐप क्रिएट कर दिया। ये अगर हम एज अ ह्यूमन क्रिएट करते तो कितना टाइम लगता, एटलीस्ट यार एक घंटे तो लगते ही लगते। ChatGPT ने यार वो 5 मिनट में करके दिखा दिया। तो घबराओ मत यार कि हमारी जॉब गई या नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है। इसको जो बना रहा है कंट्रोल कर रहा है वो भी यार अपन ही लोग हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो यार होप सो समझ में आएगा। इससे क्या होगा कि यार एक चीज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो एज अ सर्वेंट, एज अ गाइडर, मतलब कि अगर आप कहीं पे स्टक हो रहे हो तो आप इससे इसकी हेल्प लेके अपने आप को लाइक वहाँ पर इसका हेल्प लेके अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो। इसलिए बस इसको यूज़ कर सकते हो, इसी परस्पेक्टिव से अगर आप यूज़ करो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो होप सो गाइस समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद नहीं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसे ही कूल और इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग के लिए आती रहेंगी। तो उसके लिए बने रहना है ना यार, बने रहो। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी आ सकते हो, वहाँ पर अपनी क्वेरी वगैरह भी पुट कर सकते हो और मेरे से पूछ सकते हो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।